नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। विराट कोहली का बल्ला जहां पहले मैच में खामोश रहा, तो वहीं दूसरे मैच में जमकर गरजा और भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। विराट ने एडिलेड के मैदान पर दूसरा वनडे शतक जड़ते हुए 104 रनों की शानदार पारी खेली। विराट ने इससे पहले एडिलेड के मैदान पर 4 साल पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को 107 रनों की पारी खेली थी और भारत ने वो मैच 76 रन से जीता था। आपको बता दें कि कोहली के अलावा भारत के सिर्फ 2 बल्लेबाज सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ही एडिलेड में शतक लगा सके हैं। सौरव ने यहां साल 2000 में ही 141 रन बनाए थे, तो वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 131 रन बनाए थे। वैसे बात करें विराट के शतकों की, तो ये वनडे क्रिकेट में उनका 39वां शतक है। अब वे सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतक से 10 शतकों की दूरी पर हैं। वनडे में शतकों के मामले में फिलहाल सचिन और विराट के आसपास भी कोई नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर है। वैसे अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट यानी इस खेल के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर बात करें, तो सबसे अधिक 100 शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग 71 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली एडिलेड में 64वां शतक जमा कर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं।